फ्रेंड्स, वेलकम टू फन विद किड्स। मैं कीर्ति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मिट्टी का केक। आपने ये सोचा होगा ये रियल केक है? नहीं, ये है मिट्टी का केक। केक बनाने के लिए हमें चाहिए मिट्टी का डो, तीन तरह के ढक्कन चाहिए। आप अपने हिसाब से अलग अलग शेप के, एक बड़ा, एक उससे मीडियम और सबसे छोटा, इस तरह से तीन तरह के ढक्कन ले लीजिए। चाकू, डेकोरेशन के लिए मोती, मैचिंग स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, वाटर कलर और पानी। मिट्टी का केक बनाने के लिए हम मिट्टी का डो लेंगे और इसको हम अपने हाथों से इस तरह से राउंड करेंगे। और हमने जो ये ढक्कन लिए हैं, जो बड़े, छोटे और बिल्कुल छोटा, इसको हम यहाँ रखेंगे और इससे हम इसका शेप बनाएंगे इस तरह से। और बाकी की मिट्टी हम निकाल लेंगे। और ये शेप इसमें से निकल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा पानी से प्लेन कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा डो लेंगे और हल्का से प्रेस करके हम सबसे छोटा वाला शेप लेते हैं। उसे भी हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। उसको जोर से थोड़ा दबा दीजिए अंदर और एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो हटा दीजिए। और ये थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये हमारा दूसरा शेप भी निकल आएगा। इसको भी हम पानी से बिल्कुल प्लेन कर देंगे। ये हमारा केक का ऊपर का पोर्शन है। अब इसी तरह से हम तीसरा शेप भी बनाएंगे। उसके लिए हम थोड़ी ज़्यादा मिट्टी लेंगे क्योंकि ये बड़ा शेप है। इसको आप अपने हाथों से राउंड राउंड इस तरह से कीजिए। बहुत ही आसान है ये, आपको बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। बहुत ही इजी भी है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और दबाएंगे। मिट्टी हटाने के बाद थोड़ा सा ये हमारा सबसे नीचे वाला शेप बनकर तैयार हो गया है। इसको भी हम पानी से बिल्कुल प्लेन कर देंगे। अब हम आइसक्रीम स्टिक लेंगे और उसको हम दो पीस में काट लेंगे। एक थोड़ा बड़ा और एक उससे थोड़ा सा छोटा। अब हम इस केक के बीच ये स्टिक घुसाएंगे। सेंटर में हमको उसको फिक्स कर देना है इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पर भी बिल्कुल बीच में इसको हमको फिक्स करना है। और ये फिक्स हम इसके अंदर कर देंगे ताकि बिल्कुल हिले नहीं और बिल्कुल सही से फिक्स हो जाए। अब हम तीसरे को भी इसी तरह से फिक्स करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी अब इसे हम इसमें फिक्स कर देंगे। और ये हमारे तीनों शेप तैयार हैं इस तरह से। आप इसको पानी से बिल्कुल प्लेन कर लीजिए पहले। अब हम मैचिंग स्टिक लेंगे, उसको हम बीचों बीच इसमें फिक्स कर देंगे। और फिर हम एक
मिट्टी का डोली के चेरी बनाएंगे जो केक के ऊपर लगी रहती है और बहुत ही सुंदर लगती है, उसे केक भी बहुत सुंदर लगता है। अब हम फ्लावर बनाएंगे थोड़ी सी मिट्टी लेके, और फिर इसको इस तरह से राउंड राउंड कर लीजिए, फिर छोटे छोटे ऐसे बॉल्स की तरह बिल्कुल बराबर शेप की मिट्टी आप ले लीजिए। ज़रा जैसे सारी एक ही साइज़ की होनी चाहिए ये। और इसके बाद अब हम इसको इस तरह से राउंड करेंगे और थोड़ा सा हल्का हाथ से प्रेस कर देंगे और इस तरह से हम इसका शेप बना देंगे। इसी तरह से हम सारी गोलियों को करेंगे। अब हम इन सबको लाइन वाइज रखते जाएंगे, एक दूसरे के हल्के से ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। हल्का सा पानी लगा देंगे और इनको हल्के हल्के से इस तरह से चिपकाते जाएंगे इस तरह से। और इसको हम उठा के और बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको राउंड करते जाइए, तो ये आपका फ्लावर का शेप बनके तैयार हो जाएगा जो केक्स के ऊपर लगा रहता है उस तरह से। अगर ये टूट जाते हैं तो उसको पानी से आप से सही कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसकी दो पत्तियां बना देंगे। इस तरह से आप पत्ती का शेप दे दीजिए और फिर इसे आप डिज़ाइन कर लीजिए। इस तरह से आप इसको पत्ती का शेप दे दीजिए। हम इसे पूरा एक दिन सूखने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट डे हम इसको सूखने के बाद कलर करेंगे। कलर करने के बाद ये और भी सुंदर लगेगा। एक दिन सूखने के बाद ये बिल्कुल ठोस हो जाएगा और बिल्कुल हिलेगा नहीं, और ये भी ठोस हो जाएंगे। अब हम इस पर कलर करेंगे। कलर करने के बाद और भी सुंदर लगेंगे। हमने वाइट कलर लिया है, केक की क्रीम जो हो वाइट कलर की होती है, आप तो अपने हिसाब से किसी भी कलर की क्रीम बना सकते हैं, आपको जो कलर पसंद हो। मैंने इस पर वाइट क्रीम लगा रही हूँ, क्रीम मीन्स कलर लगा रही हूँ। इस पर आप पूरा वाइट कर दीजिए और फिर चेरी में रेड कलर की कर लूँगी इस पर। हमने रेड वाइट कलर कर दिया, अब हम रेड कलर करते हैं। जो इसकी चेरी है वो रेड कलर की कर रहे हैं, और जो फ्लावर्स होंगे हम फ्लावर्स को भी रेड कलर कर देंगे। ये फ्लावर्स हैं, इनको भी हम रेड कलर कर देंगे। कलर करने के बाद अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। हमने जो फ्लावर्स बनाए हैं वो हम फेविकोल से चिपका देंगे। और हम इधर फिक्स कर देंगे उनको, थोड़ी देर में वो सूख के यहीं पे चिपक जाएंगे, अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। 5-10 मिनट आप उसको प्रेस करके रख दीजिए, तो धीरे धीरे वो क्या धीरे से चिपक जाएंगे वहाँ पर। अब हम पत्तियाँ लेंगे, इसको भी हम फेविकोल लगा देंगे और उसे भी हम यहाँ पर चिपका देंगे। फिर हम इसे सूखने के लिए रख देंगे ताकि ये सूख जाए। इसी तरह से हम मोतियों की लेयर भी पूरी राउंड इस तरह से फेविकोल से चिपका देंगे। पहले हम देख लेंगे कहाँ तक है, अब हम इसको फेविकोल लगा के चारों तरफ से। देखिए बच्चों, हमारे एक केक बनकर तैयार हो गया है। कलर और डेकोरेशन के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है, आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।